आज की ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर मिस्टर मीट ने हमला कर दिया एंड साथ में हमला कर दिया यहाँ पर साइरन हेड ने। इन्होंने बहुत सारे डायनासोर एंड बहुत सारे हॉर्स को मार दिया एंड कहा जाता है कि जैसे यहाँ पर सिटी के अंदर होती है नाइट, तो नाइट के अंदर ये वाले क्रिएचर आ जाते हैं सिटी के अंदर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर पुलिस वाले भी उनको नहीं रोक पा रहे बिकॉज पुलिस वाले के बस में नहीं है उनको रोकना, एंड आप भी अपने घर के अंदर रहना वरना साइरन हेड एंड मिस्टर मीट आपको भी मार सकते भाई। गाइस क्या आपने सुना कि यहाँ पर मिस्टर मीट एंड साइरन हेड वापस से लौट आए हैं, एंड पिछले बार मैंने यहाँ पर मिस्टर मीट को मारा था बट पता नहीं मिस्टर मीट वापस से कैसे जिंदा हो गया यार। बट देखो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर एंड बहुत सारे हॉर्स के बच्चे भी है यहाँ पर, तुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो वाला मिस्टर मीट इस वाले घर के पास में ना जाए बिकॉज यार वो मिस्टर मीट यहाँ पर कभी भी आ सकता है नाइट के अंदर। और अगर यहाँ पर मिस्टर मीट आया ना भाई तो ये वाले सभी डायनासोर मेरे बच्चे मरने वाले बिकॉज वो उनको मार देगा भाई। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना हाउस चेंज कर दिया, मैंने ओल्ड हाउस को छोड़ के यहाँ पर मैं न्यू हाउस के अंदर शिफ्ट हो चुका हूँ बिकॉज न्यू हाउस का लोकेशन उसको मिस्टर मीट को पता नहीं होगा आई थिंक, ऐसा लग रहा है मुझे। और देखो सामने काफी सारे मेरे घोड़े खड़े हुए हैं, कल रात से काफी डरे हुए बिकॉज कल रात को मिस्टर मीट सिटी के अंदर आया था। मालिक मिस्टर मीट एंड साइरन हेड को मार देगा क्या? हाँ तुम्हें मिस्टर मीट मार तो सकता है बट क्या मालिक, क्या मर जाएंगे मिस्टर मीट के हाथों? अरे तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा ठीक है, बट यार घोड़ों की बात सच है बिकॉज अगर रात को यहाँ पर मिस्टर मीट आता है ना गाइस ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर ना मेरे ये वाला गेट नहीं है, अगर मिस्टर मीट बाय चांस यहाँ पर आता तो वो सीधा ही घुस जाएगा हमारे घर के अंदर बिकॉज गेट वेट कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो मुझे ना मिस्टर मीट को मारने का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब मिस्टर मीट को मारना पड़ेगा नाइट होने से पहले वरना भाई मेरे घोड़े एंड डायनासोर गए काम से भाई। और अगर एक बार यहाँ पर नाइट हो गई ना फिर मिस्टर मीट को हम नहीं मार सकते, नाइट के अंदर मिस्टर मीट को मार पाना मतलब इम्पॉसिबल है। मालिक क्या मैं मिस्टर मीट मार डालेगा? मालिक जल्दी से प्लीज, मालिक हमें मिस्टर मीट मार डालेगा। मालिक मिस्टर मीट आने वाला है नाइट के अंदर, मिस्टर मीट आएगा हमको मार देगा। अरे मुझे मिस्टर मीट को मारना पड़ेगा भाई, मुझे ना यहाँ पर मिस्टर मीट की लोकेशन कौन सी है बिकॉज मिस्टर मीट कहाँ पे रहता है मेरे को नहीं पता, फोन करना पड़ेगा अपने भाई को और पूछना पड़ेगा कि मिस्टर मीट कहाँ पे रहता है, फिर उसको जाकर हम सीधा मारने वाले हैं भाई। हेलो ब्रो, हाँ वो मिस्टर मीट कहाँ पे रहता है? ओल्ड हाउस के पास में। ओके ओके सड़क है वहाँ पर। अच्छा वो मिल जाएगा वो, चल ठीक है भाई ठीक है, चलो ठीक। A few moments later. तो गाइस हम चलने वाले यहाँ पर मिस्टर मीट को मारने के लिए, बट जल्दी चलना पड़ेगा बिकॉज अगर एक बार यहाँ पर होती है नाइट तो फिर हम मिस्टर मीट को नहीं मार पाएंगे बिकॉज ओ वेट भाई यार नाइट होगी यहाँ पर, तो भाई अब तो मुझे नहीं मारना भाई मिस्टर मीट को, भाई मिस्टर मीट मुझे मार देगा वापस। और वेट ये आवाजें किसकी आ रही है यहाँ पर भाई, मुझे लग रहा है कि सिटी के अंदर मिस्टर मीट आ चुका है भाई। चलो भाई चलते हैं अंदर जल्दी से, तो मिस्टर मीट भाई मुझे भी मार सकता है भाई। अब भाई मैं मिस्टर मीट को नहीं मार पाऊंगा भाई, मैं क्या करूँ भाई, मुझे अंदर चलना पड़ेगा। मुझे यार एक काम करना है, मुझे ना यहाँ पर मैं डायनासोर को सेव करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं खड़ा करने वाला हूँ। चलो भाई यहाँ पर गाड़ी खड़ा करता हूँ मैं, एंड यार ये लाइट क्यों जल गई, लाइट को बंद कर भाई जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। ओके गाइस मुझे ना आपको इनको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम अंदर चले जाओ, तुम भाग जाओ यहाँ से भाई, मैं क्या करूँ भाई, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइस मुझे लग रहा है कि मिस्टर मीट सिटी के अंदर आ चुका है, बट मैं एक बार देखता हूँ कि मिस्टर मीट कहाँ पर है। चलो गाइस हम बाहर चलते हैं, देखते हैं कि मिस्टर मीट यहाँ पर आया या फिर नहीं आया। ओके यार यहाँ पर तो मिस्टर मीट नहीं है, इधर भी मिस्टर मीट नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है कि वो सिटी के अंदर आ चुका है बट यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आया है वो। बट भाई वेट यार, ये सामने बहुत सारे डायनासोर खड़े हैं, इनको बोलना पड़ेगा मुझे। देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं हो तुम, हा? तुम मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ एंड सामने यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चले जाओ, वरना वहाँ पर आप सेफ रहोगे। नहीं मालिक हमें डर लग रहा है, हमें मिस्टर मीट मार सकता है अगर हम बाहर निकलेंगे तो। मालिक हम मर जाएंगे बट यहीं पर रहेंगे इस वाले हाउस के अंदर ही। अरे तुम समझ नहीं रहे हो भाई यार, मैं क्या करूँ, इनको समझाऊं कैसे भाई, मुझे अंदर चलना पड़ेगा भाई। देखो मुझे ना अंदर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर देखना पड़ेगा न्यूज, बिकॉज न्यूज के अंदर क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। चलो गाइस हम देखने वाले हैं यहाँ पर पहले न्यूज के अंदर क्या आ रहा है। नाइट की ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर ट्रेन के पास में आ चुका है यहाँ पर मिस्टर मीट एंड साइरन हेड। हो सकता है कि वो बहुत ही जल्द आपके न्यू हाउस के पास भी आ सकता है एंड वो बहुत सारे डायनासोर एंड बहुत सारे हॉर्स को भी मार सकता है। आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा एंड डायनासोर एंड हॉर्स को सेफ रखिएगा, मिस्टर मीट बस न्यू हाउस के पास में आने वाला है। भाई यार ये वाला मिस्टर मीट तो काफी खतरनाक निकला भाई, मुझे लगा मिस्टर मीट खतरनाक नहीं है बट ये तो काफी डेंजर निकला यार। अब मुझे गाइस क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर जिम रूम के अंदर बिकॉज मैं यहाँ पर सेफ रहने वाला हूँ। बट वेट भाई ये कौन है यहाँ पर, भाई साहब यहाँ पर कैसे आए? अरे यार ये कौन है एंड यहाँ पर कैसे आ गया तू? मालिक मेरे को मिस्टर मीट मार सकता है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ आपकी तरह। चलो वो बात तो ठीक है बट यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, वहीं पर रहता मैंने दो साल, बट ठीक है यार यहाँ पर सेफ है। लेकिन गाइस वेट भाई मुझे यहाँ पर आवाज आ रही है कि मिस्टर मीट ना मेरे हाउस के पास में आ चुका है। ये देखो आपको आवाज आ रही है यहाँ पर मिस्टर मीट की, मुझे आ रही है कि यहाँ पर आवाज आ रही है मिस्टर मीट की हाउस के पास में आ चुका। बट वेट भाई मुझे ऐसी आवाज आ रही है कि वो घोड़ों को मार रहा है, मुझे घोड़े की चिल्लाने की आवाज आ रही है, डायनासोर की चिल्लाने की आवाज ही आ रही है गाइस। तो क्या मिस्टर मीट ने उनको मार दिया? नहीं नहीं मिस्टर मीट ने उनको नहीं मारा होगा भाई, बट मुझे दिन होने का वेट करना पड़ेगा। चलो भाई दिन होने वाला है यहाँ पर,
तो गाइस यहाँ पर फाइनली यहाँ पर दिन हो चुका है, बट मुझे देखना पड़ेगा यहाँ कि यहाँ पर मेरे घोड़े एंड डायनासोर सेफ है या फिर नहीं है गाइस। तो हम चलने वाले यहाँ पर डायनासोर के पास में एंड हॉर्स के पास में, जल्दी चलते हैं यहाँ पर एंड देखने वाले कि वो सेफ है या फिर नहीं है। वेट बॉय, ये क्या हुआ यहाँ पर? वेट बॉय, यहाँ पर पूरे डायनासोर मर चुके हैं भाई। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टर मेट एंड सायरन हेड ने ये सब कुछ किया होगा भाई। ये देखो भाई, पूरे डायनासोर को यहाँ पर मार दिया है। एंड वेट, यहाँ पर कुछ कुछ डायनासोर गायब है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सायरन हेड उनको खा लिया है, क्योंकि सायरन हेड काफी भूखा था भाई काफी दिनों से, तो उसने यहाँ पर डायनासोर को खा लिया। एंड भाई यहाँ पर दो डायनासोर बचे हैं भाई। मालिक मिस्टर मीट एंड सायरन हेड ने हमारे परिवार वालों को पूरे को मार दिया, मालिक एंड हॉर्स को भी मार दिया। हमें बदला चाहिए मालिक, हमें बदला चाहिए मालिक। भाई यार ये मिस्टर मीट एंड सायरन हेड को मुझे मारना पड़ेगा भाई। अभी मुझे दिमाग खराब हो चुका है भाई, बिकॉज मिस्टर मीट ने काफी बड़ी गलती की है मैं डायनासोर को मारकर। एंड वेट भाई, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे घोड़े मर चुके हैं यहाँ पर भाई। ये कितने सारे घोड़े मर चुके हैं यहाँ पर। बट यार ये देखो भाई, फ्रैंकलिन भैया संभाल अपने आप को भाई। भाई यहाँ पर ना फ्रैंकलिन भैया काफी उदास हो चुके हैं, काफी ज्यादा रो रहे हैं वो, बिकॉज उनके फेवरेट घोड़े जो कि इसका नाम मोती है, ये देखो सामने इसका नाम मोती है, मर चुका है भाई। इसका फेवरेट घोड़ा था भाई। ये देखो भाई फ्रैंकलिन भैया भाई काफी ज्यादा दुखी है भाई। फ्रैंकलिन भैया संभाल अपने आप को भाई, हमें मिस्टर मीट एंड सायरन हेड को मारना है, बदला लेना हमें। अबे यार बदला नहीं लेना है क्या? मैं क्या खड़ा हो भाई, क्या कर रहा है यार तू? तो गाइस हमें मिस्टर मीट को मारना ही पड़ेगा। बट भाई फ्रैंकलिन भैया पर हिम्मत हार चुके हैं भाई, बिकॉज वो भाई मतलब इतना प्यार करते थे भाई घोड़ों से, क्या बताऊं यार, बट वो ही मर चुके हैं। ये देखो भाई फ्रैंकलिन भैया हिम्मत हार चुके हैं भाई। मतलब फ्रैंकलिन भैया बोल रहे कि मुझे नहीं मारना मिस्टर मीट को, मुझे सायरन हेड को नहीं मारना, मेरे घोड़े वापस कर दो बस। बट गाइस हमें मिस्टर मीट एंड सायरन हेड को मारना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ये देखो भाई फ्रैंकलिन भैया वहां पर जाकर गिर चुके हैं। ओके गाइस खड़ा होना पड़ेगा फ्रैंकलिन भैया को जल्दी से। एंड गाइस खड़े हो चुका है फ्रैंकलिन भैया। और गाइस देखो यहाँ पर कितने सारे यार घोड़े मर चुके हैं भाई। इससे पूछते हैं किसने मारा इसे। मालिक मिस्टर मेट ने इन सबको मार दिया, मेरे भाई को बहन को सबको मार दिया मालिक, हमें बदला चाहिए भाई। यार वेट, ये देखो यहाँ पर कितने सारे घोड़े मरे हुए पड़े हैं भाई। ये देखो भाई यार मिस्टर मेट ने काफी बड़ी गलती की है। एंड वो वाला सायरन हेड, उसने काफी बड़ी गलती की है। दोनों को मारने वाला हूँ, दोनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब हम चलने वाले यहाँ पर मिस्टर मीट को मारने के लिए। एंड मैं सोच रहा हूँ यार ये वाला हेलीकॉप्टर लेके चलते हैं मिस्टर मीट को मारने के लिए, तो बाद में चलेंगे हम सायरन हेड को मारने के लिए। गाइस इसके अंदर बैठ जल्दी चलते हैं। बट वेट यार, इसके अंदर तो पेट्रोल कम है गाइस, ठीक है चलो इसको वापस से उतारते हैं नीचे भी, क्योंकि इसके अंदर काफी पेट्रोल कम है। बट ये नीचे गिर गया भाई, मैं ये क्या गया भाई। तो हम चलने वाले यहाँ पर मिस्टर मीट के घर। एंड हम चलने वाले यहाँ पर बुलेरो को लेकर, बिकॉज बुलेरो गाड़ी सबसे अच्छी है हमें मिस्टर मीट के घर जाने के लिए। चलो गाइस ये वाली गाड़ी लेके चलते हैं, जल्दी से मिस्टर मीट को निपटा के आते हैं। एंड उसके बाद हम मारने वाले यहाँ पर सायरन हेड को, हम दोनों को मारेंगे गाइस, ठीक है कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। चलो गाइस चलने वाले, अब चाहे नाइट हो या फिर दिन हो भाई मुझे नहीं पता, मुझे मिस्टर मीट को मार के आना है बस। एंड भाई ये मिस्टर मीट वापस से जिंदा हो जाता है पता नहीं क्यों यार। एंड उसके बाद चलेंगे हम सायरन हेड को मारने के लिए। चलो गाइस लेट्स गो। देखो मेरे पास ये सीक्रेट रास्ता है, देखो ये सीक्रेट रास्ता है जिससे कि मैं मिस्टर मीट के घर पहुंच सकता हूँ भाई। एंड वो वाला मिस्टर मीट अपने घर पर ही हो सकता है गाइस। जल्दी चलने वाले मिस्टर मीट के घर एंड जल्दी इसको मारने वाले यहाँ पर। एंड ये देखो भाई यहाँ पर नाइट भी होने वाली है बस। एंड देखो यहाँ पर नाइट हो चुकी है, बट मुझे रुकना नहीं यहाँ पर, मिस्टर मीट को मार के आना गाइस, ठीक है। हमारा काम क्या है यहाँ पर? मिस्टर मीट को मारना है। मैंने सुना है कि यहाँ पर मिस्टर मीट का घर है ना, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है, मतलब एक ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर, इधर रोड जाएगी, उस रोड की साइड में मिस्टर मीट का घर होने वाला है। ये देखो ये रास्ता मिस्टर मीट का घर की तरफ जाता है गाइस। फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ मैं मिस्टर मीट के घर। एंड ये देखो भाई ये मिस्टर मीट का घर है, मैं दिखाता हूँ आपको मिस्टर मीट का पूरा घर। रुको उतरते हैं नीचे अपनी कार से। चलो गाइस चलते हैं बाहर। ये देखो ये मिस्टर मीट की शॉप है जो अभी छोटी है, और ये देखो भाई ये मिस्टर मीट का घर है जो कि इतना छोटा घर है, मतलब बहुत ही कबाड़ घर है। एंड मिस्टर मीट को मारने के लिए यहाँ पर मैं एक शॉट गन भी लेके आया हूँ, ये देखो मेरे हाथ में एक शॉट गन है। तो गाइस मुझे ना यहाँ पर मिस्टर मीट को देखना पड़ेगा, मिस्टर मीट कहाँ पर है। चलो गाइस यहाँ पर तो मिस्टर मीट नहीं है गाइस। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखो ये दरवाजे से लॉक कर रखा है भाई, यहाँ पर मिस्टर मीट तो मुझे लग रहा है कि कहाँ पर छुप गया है, घर के अंदर है वो। तो ये क्या है यहाँ पर, ये पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पर वो मतलब मीट वीट बेचता है गाइस। अब हम चलने वाले हैं मिस्टर मीट के घर के अंदर। चलो गाइस अभी मिस्टर मीट के घर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है उसके अंदर हम जाएंगे। ये देखो भाई इसको तोड़ना पड़ेगा, एंड इसको खोलो यहाँ से। मिस्टर मीट भाई कहाँ पर है तुम यार? मिस्टर मीट इधर तो नहीं है यार। ओके यहाँ पर किचन के अंदर मिस्टर मीट हो सकता है वैसे। ओके फ्रिज के अंदर है क्या मिस्टर मीट? नहीं फ्रिज के अंदर भी मिस्टर मीट नहीं। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया यहाँ पर? अरे बबुआ तू कौन है यहाँ पर? अरे वहां डाल रही मुझे। अरे यार तो मैंने यहाँ पर मिस्टर मीट को मार दिया। ये देखो भाई मिस्टर मीट का आप चेहरा देख लो आराम से, मिस्टर इस प्रकार से दिखता है। चलो गाइस मैंने मिस्टर मीट को तो यहाँ पर मार दिया, बट अब बारी है यहाँ पर सायरन हेड की। तो कैसे वापस से जिंदा हो सकता है वैसे, बट मुझे अब सायरन हेड को मार के आना पड़ेगा। चलो गाइस हम चलने वाले यहाँ पर सायरन हेड को मारने के लिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है, एंड वैसे भी यार मेरे डायनासोर मर चुके हैं, मुझे जल्दी चलना पड़ेगा सायरन हेड को मारने के लिए। लेट्स गो गाइस।
तो अब हम चलने वाले यहाँ पर सायरन हेड को मारने के लिए। एंड मैंने सुना है कि सायरन हेड है ना गाइस यहाँ पर पश्चिम की तरफ एक नगर है वहां पर रहता, तो हम वहीं पर चलने वाले। एंड फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर सायरन हेड को मारने के लिए। एंड सायरन हेड इन वाले जंगलों के अंदर रहता है गाइस, ठीक है। एंड ये देखो भाई मेरी गाड़ी इस प्रकार से हो चुकी है यहाँ पर आते आते, बिकॉज काफी दूर से मैं चल रहा हूँ यहाँ पर आ रहा हूँ, तो धूल मिट्टी लगने से यहाँ पर हमारी गाड़ी की हालत ये वाली हो चुकी है। बट गाइस हमें यहाँ पर सायरन हेड को मारना पड़ेगा। तो सामने देखो यार यहाँ पर ये कुछ है यार घर सा टाइप है, तो इसके अंदर सायरन हेड मुझे मिल सकता है, देखना पड़ेगा अंदर जाकर, काफी पुराना घर लग रहा है मुझे। ओके गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर है। ओके गाइस यहाँ पर तो सायरन हेड नहीं है, यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर सायरन हेड नहीं लग रहा है मुझे। बट यार ये सायरन हेड जा कहाँ पे सकता है यार, मुझे देखना पड़ेगा। चलो गाइस हम देखने वाले हैं यहाँ पर यार कहाँ पे चले गए हैं। ओके गाइस ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पर, भाई स्टॉप यहाँ पर लिखा हुआ है बट उसका कोई जरूरत नहीं है। ओके यार यहाँ पर एक गेट है जो कि यहाँ पर बंद पड़ा है गाइस, बट मुझे ना गाइस कैसे भी करके यहाँ पर सायरन हेड को मारना पड़ेगा। एंड अगर सायरन हेड मुझे मारता ना गाइस, ठीक है, तो मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की पुलिस को फोन कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी हेल्प कर देगी गाइस, ठीक है। अब गाइस मुझे सायरन हेड को मारने के लिए आगे जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस वाले रास्ते पर वो वाला सायरन हेड मुझे मिल सकता है। भाई यार यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ बट इन वाले जंगल्स के अंदर रहता है सायरन हेड, भाई इतने खतरनाक जंगल है यहाँ पर, यहाँ पर रहता है सायरन हेड। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं मिस्टर मीट को मारकर आया हूँ ना, तो मिस्टर मीट को मरते हुए इसने देख लिया है। एंड ये सायरन हेड यहाँ पर आकर कहीं पर छुप गया होगा, मुझे लग रहा है कि किसी नदी वदी या फिर किसी वाटर के अंदर छुप गया होगा, या फिर किसी गुफा के अंदर चला गया होगा, पता नहीं कहाँ पे चला गया है। मुझे इसको कैसे भी करके एक मारना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ढूंढने का ट्राई करता हूँ कि सायरन हेड कहाँ पे चला गया। भाई मैं काफी घूम रहा हूँ यहाँ पर बट वो मेरे को दिख नहीं रहा है, हाँ हल्के हल्के साउंड आ रही है उसकी मुझे, बट यार सायरन हेड कहाँ पे चला गया मेरे को कुछ भी पता नहीं है गाइस। मुझे देखना पड़ेगा कि सायरन हेड एक्चुअल में कहाँ पे है। A few moments later. यार यहाँ पर काफी टाइम बीत चुका है बट मुझे सायरन हेड नहीं दिखा है यार, कहाँ पर हो सकता है। वैसे नाइट होने वाली है यहाँ पर मुझे, एंड मुझे वापस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सिटी के अंदर वापस से जाना है अपने हाउस के अंदर। बट वेट यार यहाँ पर साउंड आ रही है मुझे कि यहाँ पर सायरन हेड हो सकता है, और ये यहाँ पर सामने ये क्या है। ओके ये यहाँ पर नाव पड़ी है एक, एंड यहाँ पर एक कुछ पड़ा हुआ है, बट वेट वो सामने क्या है, बट ये क्या है यहाँ पर। ओ सायरन हेड आ गया यहाँ पर, भाई साहब ये देखो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे को मार सकता हूँ वो, इतना बड़ा है क्या ये। चलो इस भाग कर निकलते जल्दी से यहाँ से, पीछे मुड़ के नहीं देखना मुझे। ओके देखना पड़ेगा पीछे मुड़ के, ये देखो भाई। ओ वेट ओ नहीं यार शूट भाई। तो गाइस हमने यहाँ पर मिस्टर मीट को तो मार दिया बट हमने सायरन हेड को नहीं मार पाया मैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सायरन हेड को मारूं गाइस, ठीक है, इस वाले वीडियो पर 1K लाइक कर देना गाइस, ठीक है, वीडियो शेयर करना जल्दी से। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, गुड बाय। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है, बाय बाय।